आदमी अपने काम से पहचाना जाता है, नाम से नहीं। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। जिंदगी का मजा हमने बहुत कम लिया है, अब वापस लौटा हूँ, जिंदगी भर का मजा लूंगा। आखिर कैसा है KGF 2 के मेन लीड का फैंडम? कौन सी जोड़ी पहली बार KGF 2 के साथ नजर आने वाली है? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, KGF चैप्टर 1 में यश के रॉकी के किरदार को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था, इसी वजह से लोग KGF 2 का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और एक बार फिर से यश को वही किरदार निभाते हुए देखना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, इस पिक्चर के लिए यश ने खास तौर पर अपनी दाढ़ी बनाई थी, लेकिन अब ये दाढ़ी उनके पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, KGF चैप्टर 1 में यश ने रॉकी का किरदार निभाया था और उनकी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स से लोग कायल हो गए थे। बीते दिनों अभिनेता ने इंडस्ट्री में अपने 12 साल पूरे किए और इस दौरान उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म से लेकर हाल ही में रिलीज हुई KGF चैप्टर 1 की यादों को ताज़ा किया। आज यश का फैंडम काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। जी हाँ, पहले जो वो सिर्फ कन्नर इंडस्ट्री में फेमस हुआ करते थे, तो अब वो ऑल ओवर इंडिया में एक सुपरस्टार के तौर पर निखर कर सामने आए हैं। हालांकि इसका 50% क्रेडिट तो उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF को ही जाता है। यश के किरदारों की बात करें या फिर उनके लुक की तारीफ करें, ऑडियंस हर बीतते दिनों के साथ उनकी कायल होते जा रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, वो इतने बड़े मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं कि उन्होंने एक फिल्म में 10 मिनट के सीन के लिए 6 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग ली। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपनी एक्टिंग को लेकर कितने सीरियस होते हैं। अपनी फिल्मों के प्रति यश का ये समर्पण और उनका मेहनत ही शायद ऑन स्क्रीन भी दिखता है और इसी वजह से ऑडियंस उन्हें इतना पसंद भी करती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, KGF 2 में पहली बार संजय दत्त और यश दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं। जी हाँ, संजय दत्त KGF 2 में विलेन के किरदार में दिखेंगे। इस वजह से ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड भी नजर आ रही है, क्योंकि पहली बार ये दोनों सुपरस्टार एक साथ किसी फिल्म के लिए काम कर रहे हैं। KGF 2 की कहानी 70 के दशक के भारत पर बेस्ड होगी, जो एक पीरियोडिक फिल्म होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस फिल्म के लिए ऑडियंस काफी एक्साइटेड नजर आ रही है और साथ ही लंबे अरसे से इंतजार भी कर रही है इसके रिलीज का। यश ना सिर्फ अब साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, बल्कि एक ग्लोबल आइकन भी बन चुके हैं, खास तौर पर KGF चैप्टर 1 के सक्सेस के बाद, और इसी वजह से ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है KGF 2 के लिए। KGF 1 के सक्सेस के बाद तमाम फैंस की उम्मीदें बढ़ गई है। वेल, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह KGF चैप्टर 1 एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, उसी तरह KGF 2 को भी लोग उतना ही प्यार दें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस अपकमिंग फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाज़त। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें, ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।